लोग कहाँ पे जैसे इंदर में चलो उसी को बुलाते हैं। तो भाई आ गए बर्गर किंग पे। तो भाई भाई और मैं हो गए रेडी और वस्त्र वगैरह हमने धारण कर लिए। अच्छी बात है। और रहेगी बात, बहन वगैरह भी बर्गर किंग में जॉब वगैरह करती है तो उससे भी मिलना वगैरह हो जाएगा। और पहली बार हम लोग जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी आप लोगों को शेयर करेंगे किस तरह का रहता है वहाँ का। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। लेकिन हिस्टोरी पहले क्रिएट करनी पड़ती है, पता है मैंने वो चीज़ देखी थी ना, चार मैं साल से दिखा रहा हूँ। चचा हेलमेट का ऊपर अलग पहुंच गए हम लोग वॉकवे पे। कहाँ पे बुलाते हैं। तो भाई आ गए बर्गर किंग पे। तो आ गए हम लोग बर्गर किंग पर, तब तक रुक जाते हैं फिर। तो बहन लेके आ गई है हमारे लिए। अबे तू भी खा ले, अब थोड़ा बहुत खा ले। तो आ गया भाई हमारा, करें फिर शुरू हम लोग। वैसे हमें चलना चाहिए था, इतने स्लो चलता है। खा पी लिया हम लोगों ने और अभी मस्त से दोनों भाई घूम फिर रहे हैं। बहन का भी लंच टाइम होने वाला है और थोड़ी देर वो भी हमारे साथ घूमेगी और फिर उसके बाद हम लोग चल देंगे। बस इतना सा है वो कहाँ वीडियो बनाने के चक्कर में बात देंगे। चार्ज में लगा रखी देखो वाली गाड़ी। सस्ते ब्लॉगर बस इतना ही कर सकते हैं। बहन को लेके आ गया हम लोग घूमने के लिए और मेरी बहन बर्गर किंग की ये इकलौती मालिक है। मालिक है ऐसा मत बोलो, मैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय सभी बैठे थे वहाँ पे। हाँ तब कह रहे हो। तो लंच टाइम अब बहन का ख़त्म हो गया है और अब हम लोग भी प्रस्थान करते हैं फिर घर की तरफ। यार टायर में कोई गड़बड़ी लग रही है, डबल स्टैंड पे से खड़ी करके देखते हैं क्या दिक्कत होगी इसको। यार भाई यार फूल गया है ये टायर, इसी वजह से थोड़ा बहुत लग रहा होगा ना। भाई इसे तो करवाना पड़ेगा ही हमें। यार गाइस अभी हो गया हमारा पोपट, तो यार टायर को पता नहीं क्या हो गया है, बीच में फुल टाइप का गया है। अभी दिखाते हैं मैकेनिक को, देखते हैं क्या बताता है वो। यार यहाँ के मैकेनिक ने मना कर दिया, जहाँ से हम लोगों ने टायर डलवाया है वहीं पे लेके जाना पड़ेगा बोल रहे हैं। वो चेंज करते हैं जो भी होता है, जो भी प्रोसेस आगे की रहती है। बट अब हमें पूरा टायर ही चेंज करना पड़ेगा, आगे दिनेश संवाददाता से बोलेंगे हम। यहाँ पर भी रोड बंद है, सब जगह से हो रहा है भाई। तो घर पे पहुंचने वाले हैं और रहेगी बात अभी फिर से निकलना मार्केट की तरफ को।
टायर का दिखवा लेते हैं, कहीं अचानक फिर कहीं एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस ना हो जाए। तो आराम आराम से चल रही है अभी तो, एकदम मस्त तरीके से राइडिंग। जो वारंटी कार्ड टायर का दिया हुआ था वो हम लोगों ने ले लिया है, अब फटाफट मार्केट को होके आते हैं और टायर वगैरह का। वो वाला बना रहा ना, उसमें लगाऊंगा टायर वो। हाँ यार ये मतलब कोई करने लगा। हाँ रुकने का अभी तो नाम ही देते लो। टायर की दुकान पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा आगे ये पेड़ के पेड़ से है वैसे थोड़ा 400-500 मीटर होगी टायर, कहीं मैं भूल ना गया हूँ ऐसा भी हो सकता है। वैसे पर्चे में तो नाम वगैरह लिखा हुआ है कहाँ से लिया था। तो वही आ गए यहाँ पे सेंटर का नाम फिर CH का टायर बस यहीं पे मिल रहा है और 1100 रुपये बोल रहे हैं, अब करवाना तो पड़ेगा ही। ग्यारह सौ का चुना लग गया। तो भाई सच में पोवट तो हुई है, टायर वगैरह लगा लिया हमने, 1100 के लगभग बैठा टायर। CH का टायर ढूंढ रहे थे, वो अच्छा हुआ कि CH का टायर मिल ही गया। ऑनलाइन पेमेंट का कोई जुगाड़ हो नहीं पाया, फिर उसके बाद आना पड़ा वापस। फिर इतना यहाँ तक आए, क्या हुआ आज का दिन बता लूँ। चलो कोई नहीं, टायर चेंज करा दिया दुर्घटना से पहले, ठीक है फ्लिपकार्ट बढ़िया। दोबारा पहुँच गए घर पे और चलो टायर वगैरह लगा लिया है, आज का कार्यक्रम पूरा हो गया, अब रखते हैं गाड़ी को अंदर। तो वही स्कूटी रख दी हमने अंदर और नया टायर CH का ही लगवाए, हमारे बता रहे थे बहुत जगह ढूंढा हम लोगों ने CH का ही लेकिन लगवा के आए। और ये टायर के हालात तो कुछ फूला कितना बहाना गई है, देख टायर वायर तो लग गया। हाँ लिया टायर भी वो अंदर की जो ट्यूब होती है ना वो बोल रही है उसकी वो मोटी हो गई। हाँ जी मम्मी जी, 1100 रुपए की चपेट लग गई और कुछ नहीं हुआ। मेरी समझ में बात नहीं आई बेटा, क्या इतनी जल्दी जल्दी ये कैसे खराब हो जा रही है टायर। अरे यार हो गया था टाइम भी यार। तो वही आप करेंगे एक्सपेरिमेंट इस पे, ये इस तरह से फूल गया इतना टायर ये, ठीक है इस साइड से इतना फ्लैट है इतना फूल गया ये पुटका हो गया। अब इस पे डाल रहा हूँ मैं पिन, निकल रही है हवा, निकल रही है इसमें से हवा निकल रही है ये। हाँ तो यार बर्गर किंग का एक्सपीरियंस जो चीज़ रही, फर्स्ट टाइम गए थे, बहन भी वहाँ पे जॉब करती है, तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी खातिरदारी भी। और उसके बाद जो पनौती भी उसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उसके लिए बस इतना ही कहूँगा तू बनना चाहिए तुझे तो ही अब करते खाना पीना और आज के ब्लॉग यहीं तक। और रहेगी बात
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।